चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जब सुलाया गया था तब उनके कुछ सर्किट को जगते रहने का निर्देश दिया गया था ताकि वो इसरो को 22 सितंबर को भेजे जाने वाला मैसेज रिसीव कर ले। इसरो लगातार संपर्क कर रहा है लेकिन विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में ऐसी तकनीक भेजी गई है कि जैसे ही वो पूरी तरह से सूरज की रोशनी में ऊर्जा हासिल कर लेंगे वो खुद ब खुद जग जाएंगे यानी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। हमें बस यहाँ से उन पर नजर रखनी है, हमारे पास अभी 13-14 दिन बाकी हैं। इन दिनों में किसी भी दिन विक्रम और प्रज्ञान से अच्छी खबर आ सकती है। सूरज के ढलने यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से अंधेरा होने से पहले खुशखबरी आ सकती है। इससे ठीक पहले 22 सितंबर 2023 को अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा था कि इसरो चंद्रयान 3 को यानी लैंडर रोवर को 23 सितंबर को जागने का प्रयास करेगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय है, ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से कई इनपुट मिले हैं जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। इसी बीच यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी सिग्नल भेजा है। 22 सितंबर 2023 की अलसुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA के कोरू स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पॉन्स कमजोर था यानी उनके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी यानी चंद्रयान 3 के लैंडर से अभी तक मजबूत सिग्नल नहीं मिल रहा। विक्रम लैंडर की फ्रिक्वेंसी कमजोर, चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं। विक्रम का ट्रांसपोर्टर RX फ्रिक्वेंसी का है, उसे 240/221 की दर की फ्रिक्वेंसी पर काम करना चाहिए लेकिन वह 2268 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दे रहा है। शिव शक्ति पॉइंट पर पड़ रही है सूरज की रोशनी। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिण ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जग गए और काम करना शुरू कर दिया तो ये इसरो के लिए बोनस होगा।